जमीनी विवाद को लेकर गुड़ थाना क्षेत्र में रेरुआ गांव में हुआ खूनी संघर्ष, एक की हालत गंभीर। हम आपको बता दें कि बीती रात गुड़ थाना के रेरुआ गांव में रात 10 बजे जमीनी विवाद के चलते दो पक्षों के बीच में मारपीट की घटना हुई है। पीड़ित पक्ष द्वारा आरोप लगाते हुए बताया गया कि ये पूरी घटना पुलिस के सामने घटित हुई है। पीड़ित ने बताया कि काफ़ी समय से यह विवाद न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद आरोपी तेजलाल शर्मा द्वारा चोरी छिपे निर्माण कराया जा रहा था, जिसको लेकर रमा गोविंद शर्मा द्वारा विरोध करने पर आरोपी गणों ने कुल्हाड़ी से हमला कर घायल कर दिया, जिसके बाद घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिस पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रस्तुत है पीड़िता के परिजन नंद कुमार शर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार। मेरी जमीन थी रेरुआ कला में और हमारा पुसैनी रास्ता था 157/1 जमीन में। तहसीलदार का आदेश हमारे पक्ष में था और कमिश्नर महोदय का भी हमारे फेवर में पक्ष था, लेकिन जो विपक्ष पार्टी तेजलाल है वो हाई कोर्ट में स्टे उसको लिया और कोरोना के चक्कर में वहाँ पर कोई निर्णय अभी तक नहीं हुआ और उस पर पक्का मकान बनाने की तैयारी में था। उसकी कंप्लेन हमने सुबह है पुलिस थाने गुढ़ में दिया। उन लोगों ने अपना नंबर दिया कि अगर किसी प्रकार का काम करता है, रोकता नहीं है, तो मुझे सूचना दीजिएगा। हमने उसको 8:30 बजे रात में भी उस काम को पूरा कर रहा था कि जल्दी जल्दी पूरा कर लें और उस उनको खबर दिया, 100 डायल करके पुलिस आई और पुलिस के सामने जैसे हमारे परिजन गए बताने के लिए कि यहाँ पर ये कर रहे हैं, तो तलवार टांगे और डंडों से 8 लोगों ने हमला किया और बेहोश कर दिया वहीं मार मार के, और हालत बहुत बुरी हो गई। अभी सीरियस है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ जा रहे हैं, 5-5 मिनट में उनको। नाम क्या? नंद कुमार शर्मा।